हेलो वेलकम स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल, हम आज CCMN काउंसलिंग को लेकर कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो IIT JEE को पार्टिसिपेट किए और वो NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं या CCMN के थ्रू जो काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में बार बार अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं, सर ये CCMN काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, इसका लिंक जो है अभी डीएक्टिवेट है, इसकी जो साइट है पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो सर ये कब से होगा, अगर इतना लेट होगा तो फिर हमें कब एडमिशन मिलेगा और कैसी इसकी प्रोसेस होगी आगे। तो काफी सारे बच्चों को ये सवाल सताया जा रहा है कि कहीं लिंक ओपन हो जाए, हमें पता नहीं चले तो हम काउंसलिंग से रह जाएंगे और 1 साल हमारी खराब हो जाएगी। तो स्टूडेंट ऐसी कोई भी बात नहीं, स्टूडेंट आप बिल्कुल भी जो है निश्चिंत रहिए, और जब भी जो काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन या कोई डेट आती है तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगा स्टूडेंट। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना तो बनता है स्टूडेंट। तो सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट कि ये IIT JEE की जो CCMN काउंसलिंग है वो कब से होगी, जो NIT प्रवेश लेने के लिए डिफरेंट है। पहले क्या होता था कि पहले CCMN की काउंसलिंग होती थी और फिर IIT के लिए जॉब्स की काउंसलिंग होती थी, यानी IIT में एडमिशन लेने की जो काउंसलिंग होती है जॉब्स, वो इसके कम से कम 10 या 15 दिन बाद में होती थी, और ये जो है सबसे पहले स्टार्ट होती थी CCMN काउंसलिंग। तो इस बार जो है न तो IIT JEE की स्टार्ट हुई है अभी तक, जो 16 अप्रैल दे रखी थी वो भी अभी कैंसिल कर दी है और नई CCMN की स्टार्ट हुई है। ये पूरा जो खेल है ये पूरी वजह है, ये आप डियर फ्रेंड्स सब जानते हो, ये कोरोना वायरस की वजह से है, क्योंकि पूरा इंडिया अभी लॉकडाउन में है, तो इस कंडीशन में जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराएंगे वो कहाँ जाके करवाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन या इंटरनेट सर्विस शॉप है वो तो अभी क्लोज है सारी, तो इस कंडीशन में बच्चे बाहर निकल नहीं सकते, घर बैठे काउंसलिंग कर नहीं सकते। तो जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक तो काउंसलिंग होना असंभव है डियर फ्रेंड। जब तक लॉकडाउन है, सुन रहे हो मेरी बात, जब तक लॉकडाउन है तब तक काउंसलिंग किसी भी नहीं होगी आपकी, चाहे वो IIT JEE की देख लो या फिर CCMN की देख लो। लेकिन हमारे जो PM ने एक छोटा सा बात कही थी कि 20 अप्रैल के बाद में हम कुछ जो ऐसी कार्य हैं, कुछ वर्क हैं जिनमें हम छूट दे सकते हैं, यदि PM जो है जो इंटर जो एजुकेशन रिलेटेड जो काम है जैसे काउंसलिंग वगैरह फॉर्म अप्लाई करना, इसमें अगर छूट मिलती है तो आपकी जो 22-23 तक जो अप्रैल तक आपकी जो है स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज जो है आपकी 3 मई के बाद में ही स्टार्ट हो पाएगी डिफरेंट है। तो बिल्कुल डिफरेंट, आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कब स्टार्ट होगी, जब भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है लिंक एक्टिव होता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा डिफरेंट। ऐसे नहीं कि आज लिंक एक्टिव हो गया और आज ही काउंसलिंग करानी है और कल खत्म हो जाएगा ये लिंक, वापस डीएक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टाइम मिलेगा आपको डिफरेंट। और इस बार तो अन्य साल के बजाय इस बार ज्यादा टाइम मिलेगा आपको, 2-4 दिन, क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चों को पता नहीं चलेगा जो डेट थी वो बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है। तो आपको इस प्रकार की किसी प्रकार की प्रॉब्लम का शिकार नहीं होना है, बिल्कुल डोंट निस्पिकर ये डिफरेंट। आपको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। और जो किसी प्रकार की आपको कोई कन्फ्यूजन है NIT को लेकर, कॉलेज को लेकर, अपने MSc ब्रांच को लेकर, फीस को लेकर, कट ऑफ वगैरह, क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक वगैरह, किसी प्रकार के आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल आपके दिमाग में डिफरेंट है तो प्लीज आप कमेंट करिए डिफरेंट, मैं आपको तुरंत जवाब देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू डिफरेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।